मैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को 15 महीना पहले डिक्लेयर किया हूँ चुनाव करवाने के लिए। चुनाव करवाओ अभी, 543 सीट आएगा मोदी की, 414 सीट आऊंगी अकेली पार्टी की बीजेपी की जी, और गठबंधन की 456 आऊंगी जी। हमारे देश का मान और सम्मान मोदी ने बहुत ज्यादा बढ़ाया जी। ईवीएम के लिए ना सारी पार्टी गई है वहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर के पास, उसने ये कहा अगर तुम्हें गलत लगती है जाओ सुप्रीम कोर्ट, मेरा सिर काहे को खा रहे हो, वहाँ जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने डंडे मार के भगा दिया सबको, कहता है ईवीएम से ही होगा। ईवीएम को लाया कौन था? कांग्रेस लाई थी। तो आप उसका रोना क्यों रो रहे? अगर कांग्रेस होती तो घर में सड़ सड़ के मरते हम लोग। ऐसे तो नहीं होता का पहले ही सब कुछ तुमने कह दिया कि मोदी जी आ जाएंगे, मोदी जी कैसे आ जाएंगे? राहुल गांधी तो ये कहते हैं ना कि भारत को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने न्याय यात्रा शुरू की, और कहते हैं ये 56 इंच का जो सीना है ना ये खोखला है अंदर से। कौन अपनी दही को खट्टा कौन कहता है, सब लोग दूसरे के बारे में ही खराब कहते हैं, तो वो बोलेंगे, ऑब्वियस ही बात है, वो अपोजिशन पार्टी में है। अपोजिशन पार्टी में जी। सर आपको क्या लगता है? मैडम कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो बोलेंगे क्योंकि विपक्ष के हैं ना, तो विपक्ष का तो अपना फर्ज होता है, आपको क्या लगता है? तो अपना फर्ज इसमें किसकी सरकार है? मैं तो राहुल गांधी को ऑप्शन ही नहीं कंसीडर कर रहा हूँ। मैं तो राहुल गांधी को ऑप्शन ही नहीं कंसीडर करता हूँ। भाई साहब युवा है, कैसे नहीं करते आप? 50 ईयर्स में कोई युवा नहीं रहता है। युवा तो नहीं है, मैं युवा नहीं लगता हूँ, मैं भी तो युवा हूँ। मैं तो उनका तो 56 चल रहा है, मेरा तो 45 के अंदर ही है ना। मैं प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ रहा हूँ। मैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को 15 महीना पहले डिक्लेयर किया हूँ चुनाव करवाने के लिए। चुनाव करवाओ अभी, 543 सीट आएगा है ना। 543 543 बोलिए। अब मैं पूरा देश दुनिया मैं ही चलाऊंगा। अब अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, टोरंटो, टोक्यो, थाईलैंड, मलेशिया, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ताइवान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इटली, ईरान, जिम्बाब्वे, जो भी है एनीबॉडी, सब मैं चलाऊंगा। सबका स्विच बटन हमारे पास है। या ये जान लीजिए ये भारत है, भारत देश ये अंधों का देश है, अंधा देश, अंधा कानून। अंधा कानून है, देश अंधा नहीं है भाई। हाँ कानून तो देखिए, कानून अंधा है, कानून अंधा नहीं है। देखिए मेरा कानून आएगा, वकील साहब लोग हैं, वकील साहब लोग नहीं, ठीक है। और एक कानून मेरा चलेगा, और मैं कैसा कौन कौन सा कानून मैं पास करूंगा ये जान लीजिए। और मैं देश के अंदर जितने बेरोजगारी है सारा बेरोजगारी दूर करने जा रहा हूँ। राहुल गांधी भी कह रहे हैं बेरोजगार, बेरोजगार नहीं, सारा बेरोजगारी, जो भी अंधे भी हैं, लंगड़े भी हैं, पगले भी हैं, सबका देख रेख मैं करूंगा है ना। ये कह रहे हैं मोदी को रिप्लेस कर रही है। अच्छी बात है, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो अपने ऊपर शक नहीं करना चाहिए। हो सके ये अच्छा करेंगे, हम इन्हें वोट करेंगे। तबीयत खराब हो जाए ऐसा है, मेरी सुन ऐसे है जी। अगर 30 सेकंड रुक जाओ। मोदी की 414 सीट आऊंगी अकेली पार्टी की बीजेपी की जी, और गठबंधन की 456 आऊंगी जी। हमारे देश का मान और सम्मान मोदी ने बहुत ज़्यादा बढ़ाया जी। और जी बेरोजगारी तो उन लोगों के लिए है जो सरकारी नौकरी को रोजगार मानते हैं जी। कोई देश में बेरोजगारी नहीं, काम करने वाले के लिए कोई काम की कमी नहीं। मुद्रा लोन लो, अपना रोजगार चलाओ, स्वरोजगार चलाओ जी। और ये थोड़ा जी 140 करोड़ की आबादी का देश है जी, सबको सरकारी नौकरी किसी देश में नहीं है जी। हमारे देश में तो इससे भी ज़्यादा बहुत हैं जी। स्वरोजगार को भी आदमी ने नौकरी ही मानना चाहिए। 414 सीट मोदी की कल लगी है, 424 और 456 गठबंधन की आऊँगी जी। एक तरफा इलेक्शन है जी, जनता ने मूड बना रखा है। मोदी सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल भी कोई भेदभाव नहीं, सबका एक काम कर रहे हैं मोदी। बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है, हमारे देश में पहला प्रधानमंत्री बना है जो सबका साथ और सबका विकास से काम कर रहे हैं जी। और इसकी तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसकी उम्र 100 साल से ऊपर हो, इस प्रधानमंत्री की 100 साल से ऊपर हो। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तानाशाह सरकार है, इसको खत्म कर। कहने के लिए तो किसी को कोई कुछ कह दो जी, कहने के लिए मेरा मुंह है जी, किसी को मैं कुछ भी बोल दूं। राहुल जी की बातें गलत हैं जी। मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश में भारत में ना आया ना आया, आएगा मेरे अंदाजा में तो कोई। ऐसा क्यों कह देते हैं आप? देखो सबका, इसके पहले देश नहीं चल रहा था? नहीं, चल तो रहा था जी, लेकिन सबसे इसने कराया जी, सबका साथ सबका विकास, सबको मान समान दृष्टि से देख रहे हैं जी प्रधानमंत्री जी। बीजेपी में तो देखो ना, सबको एक समान काम मिल रहा है ना जी, एक समान, सबको एक समान है। देखो हरियाणा का मुख्यमंत्री अचानक बदल दिया, राजस्थान का देखो, छत्तीसगढ़ का देखो, हर तो सबको समान दृष्टि से मोदी जी देख रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री तो हमारे देश को बड़ी मुश्किल से मिले हैं जी। और
बहुत धन्यवाद, धन्यवाद उनके लिए, सही है आपके लिए, एक मिनट रुकिए भाई। अरे भाई उनके लिए, अरे जिसके 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 जो विचार है वो, अब आपके लिए क्या विचार है, हमारे को सही नहीं है भाई, कौन सही है, अब जो आएगा वो सही होगा, जो भी कौन कौन मोदी जी आएंगे कहाँ यार, आएगा ही मोदी, जनता ने मूड बना रखा, मोदी जी कहने से नहीं आएंगे, ऐसे कैसे आ जाए, एक मिनट, आप पहले से ही आपने कह दिया कि मोदी जी आ जाएंगे, भाई कैसे कि तुमने पहले ही सारा कुछ पहले ही इकट्ठा कर लिया, सारा पहले ही इकट्ठा करके तुम खुद ही कह रहे हो, ऐसे तो नहीं होता कि पहले ही सब कुछ तुमने कह दिया कि मोदी जी आ जाएंगे, मोदी जी कैसे आ जाएंगे ये बताओ ना, कैसे आएंगे मोदी जी, मोदी जी आएंगे कैसे ये बताओ ना, पहले से ही सारा कुछ, नहीं दो पैरों पे आएंगे, चार पैरों पे आएंगे, दो पैरों पे आएंगे, पहले से ही सारा कुछ पहले से ही उन्होंने सेटलमेंट कर लिया है ना, जो वोटिंग का कैसे कर लिया, क्यों कैसे, ईवीएम से तुम बैलेट पेपर पे करवाओ ना फिर, जब भाई दुनिया मांग रही है बैलेट पेपर, मैं क्या बैलेट पेपर बताऊं, हमारा देश 140 करोड़ आबादी का है, मेरी बात उसकी काउंटिंग करने में 5 दिन लगते हैं, 4 या 5 दिन में काउंटिंग होती है, वो जो प्रशासनिक अधिकार उसका खर्चा नहीं पड़ेगा आगे देश पे, ईवीएम के लिए ना सारी पार्टियां गई हैं वहाँ पे इलेक्शन इलेक्शन कमिश्नर के पास, उसने ये कहा अगर तुम्हें गलत लगती है जाओ सुप्रीम कोर्ट, मेरा सिर काय को खा रहे हो, वहाँ जाओ सुप्रीम कोर्ट ने डंडे मार के भगा दिया सबको, कहता ईवीएम से ही होगा, काउंटिंग होने में बहुत टाइम लगता है ना जी, ये एक ही दिन में काम हो जाता है जी, अगर ये कह रहे हैं तो भाई साहब मेरी बात ईवीएम को लाया कौन था, ईवीएम को लाया कौन था, कांग्रेस लाई थी, तो आप उसका रोना क्यों रो रहे हैं, उसके साथ गलत हो रहा है, नहीं तब अच्छी थी, नहीं तब तब जब वो लेके आए तब अच्छी थी, आज हार गए तो बुरी हो गई, जब लाए थे कांग्रेस वाले तब तो ठीक थी, अब कैसे गड़बड़ हो गई, कांग्रेस और बीजेपी से मतलब नहीं है, शायद ये है कि नहीं ईवीएम को यूं मनमान कर रहे हैं, सुनो बदनामियों कर रहे हैं, तो पहले से ही आपने कैसे कह दिया कि पब्लिक सारी वोट मोदी को ही देगी, नहीं ऐसा तो नहीं होता, पब्लिक और नहीं है और कदमा नहीं, क्योंकि 400 पार और 400 पार, भाई आप नहीं समझ रहे, घबराइए मत, उनका कहने का जैसे अभी ये कह रहे हैं 400 पार, वो एक टारगेट दिए हैं, टारगेट दिए हैं, राहुल गांधी भी 500 पार का, आप सुनो टारगेट ही तो है, टारगेट में हमारी सरकार 300 पे बननी है तो 300 पे सेट कर लेंगे, बाद में कहते हैं पब्लिक हाँ भाई सही है बढ़िया हुआ सारा कुछ, तो ये कौन सा तरीका, पहले ही 400 पार, तो ये तो हर पार्टी दावा करती है 400 पार का टारगेट, हर पार्टी, एक मिनट, अखिलेश ने यूपी में वादा किया कि बीजेपी की एक सीट नहीं निकलेगी, अब बताओ वो तो गलत, वो क्या तो ये गलत कैसे है भाई, 400 ऐसा नहीं कहने लगे, अरे कोई बात नहीं, कहा है ना ये जो सच है, बीजेपी की एक सीट भी नहीं निकलेगी तो वो सही है, अरे वो तो गलत है, तो ये तुम्हारा ये गलत, तो ये कैसे गलत हो गया फिर, ये तो हर आदमी का टारगेट, पतंग उड़ाना है कोई 400 उड़ा ले, कोई 450 उड़ा ले, 500 उड़ा ले, जिसको वोट देना है वो तो अपने हिसाब से देंगे ना लोग, एक बात बताइए, चलिए वो ठीक है 400 पार, अच्छा खराब जो भी है वो बात की बात है, अब एक बात ये है कि क्या लगता है कि 10 साल में कुछ हिसाब किताब ठीक रहा या बेकार रहा, देखो जी हिसाब किताब जो रहा, जो आम इंसान है उसको तो कुछ मिला नहीं, सत्य है ना जी, जो अरे सुन लो पहले सुनो, एक मिनट एक बात बता दो, जो दिल्ली के अंदर जितने मकान मालिक है उससे 3 गुना किराएदार है, किराएदारों को क्या मिला, लाइट फ्री मिली, पानी फ्री मिला, नहीं मिला, आप मैं खजूरी रहता हूँ जी, हाँ जी दिल्ली में ही रहता हूँ, नहीं मोदी जी का क्यों, तो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है भाई, मोदी ने सारा भारत को थोड़ा कह रखा है भाई, मोदी जी ने थोड़ा कह रखा, तो दिल्ली स्टेट का गवर्नमेंट है, हरियाणा में हरियाणा गवर्नमेंट का, पंजाब में, राशन सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, सुनो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, और आज तक एक गवर्नमेंट बता दीजिए जिसने इतना हराम का खिला पाया हो आज तक, आदत है पब्लिक को यहाँ हराम के खाने की, दो दो सुनो किस किसान को आज तक 2000 रुपए अकाउंट में गए हैं, लोगों ने क्या करा जिसके 6 बीघे जमीन थी, दो दो करके 3 लौंडों के हराम कर दी, 6500 तो आएंगे एक बार में, तो ये हरामी पर किसका है, पब्लिक का है उसका, आधी आबादी को ले लेते, क्या लगता है मैम कि 2024 में मोदी या राहुल, मोदी अभी तो कह रहे थे एकदम हालत खराब कर दी देश की, किसने कह दी, अभी
तो महंगाई होगी तो सैलरी भी बढ़ रही है लोगों की, ऐसा तो है नहीं। मोदी मोदी जो हमारा हर तरह से ध्यान रख रहा है, हमारे देश को इतना ऊपर ले गए तो हम परिवार नहीं हुए उसके, अपनी जेब भरते हैं लोग, उसने क्या ले लिया, कहाँ ले जाएगा वो केवल और केवल हमारे लिए करता है, हमारे देश के लिए करता है। आज हमारे देश की जो साख है केवल मोदी के कारण है और किसी के कारण नहीं है। अगर कांग्रेस होती तो घर में सड़ सड़ के मरते हम लोग। मोदी था तो वैक्सीन आई, मोदी था तो हम जिंदा हैं, और मोदी रहेगा तो ये देश बुलंदियों पे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं कि वो मेरे से डरते हैं, 56 इंच का सीना मेरा है। अरे राहुल गांधी ये पता है कहाँ घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, किसको क्या पता, वो किसने देखा, किसने देखा, नहीं देखा, हमने नहीं देखा। मोदी को देखते हैं लोग, यूं हुजूम चलता है मोदी के आगे और मोदी के पीछे। मोदी की माँ की डेथ हुई, क्या किया मोदी ने, केवल कितनी देर रुके वहाँ पे, फिर कितनी देर, क्योंकि उसकी हजारों लाखों करोड़ों माएँ हैं, इसलिए वो देश में घूमता रहा। फिर तो मोदी है तो देश है, और मोदी है तो इंडिया है, और मोदी है तो हम है। एक सेकंड, एक सवाल आपसे भी, आप साथ में है, एक थोड़ा सा आगे आइए, इनाम उनाम मिलेगा, समय लीजिए। एक चीज ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जैसा भी आपने कहा कि मोदी ने अपनी माँ के शव यात्रा या पूरे कर्म में साथ नहीं दिया, तो उधर बिहार से क्या आवाज आई, वो तो हिंदू है ही नहीं मोदी। कौन सा आई कार्ड ले रहा है लालू यादव, कौन सा आई कार्ड ले रहा है, कौन सा आई कार्ड है कि वो भारतवासी है, हैं? राम मंदिर बना, और अगर अब मोदी आया तो मथुरा में देखना, फिर राम मंदिर किसने बनवाया, हाँ मोदी ने, सुप्रीम कोर्ट ने, मोदी ने, पहले नहीं था सुप्रीम कोर्ट, पहले भी तो था सुप्रीम कोर्ट, मोदी मोदी।